छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जिले के तहसील मुख्यालय सक्ती के सामुदायिक भवन में लेप्रोसी ट्रस्ट मिशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कुष्ठ जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। वहीं डॉक्टर महंत ने कहा कि कुष्ठ के लक्षण दिखने पर इसे छिपाना नहीं चाहिए बल्कि जागरूकता का परिचय देते हुए आगे आकर उपचार करवाना चाहिए। समय पर इलाज हो जाने से कुष्ठ पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके इलाज के लिए सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है। जन जागरूकता से राज्य को कुष्ठ मुक्त किया जा सकता है। मैं तो शुरू से जब से विधायक बना हूँ जापा का लगभग 42 साल हो गए, तब से मैं कुष्ठ रोगियों के साथ रहता रहा, उनके साथ जीवन यापन किया, उनके वोटों से मैं जीतता रहा और हम लोग उनकी सेवा करते रहे। कुष्ठ रोग ऐसी बीमारी है जिसके पीछे कलंक लग गया है। अब इस कलंक को समाप्त करके हम सबको ये मानना चाहिए कि कुष्ठ रोग साध्य है। आराम से कुष्ठ रोगों में यदि हम प्रेम की जागृति करें, उनको प्रेम दें, उनको सहयोग दें, तो कुष्ठ रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बोलिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर जयदीपा डारलोंग दिल्ली से आई हूँ, नॉलेज मैनेजमेंट रिसर्च का हेड हूँ और हम यहाँ पर कुष्ठ का अवेयरनेस के बारे में ये प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं। यहाँ पे लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट इंडिया का बहुत काम चलता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स और प्रोजेक्ट्स। हमारा प्रोजेक्ट स्पेशली विकलांग एवं सेल्फ केयर के ऊपर है, जहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि लोगों के पैरों में घाव और हाथ का विकलांगता और आँखों में विकलांगता को कैसे हम इसको विपरीत